हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट इन क्रिक डाइजेस्ट हिंदी पे, और ये हैं सोनो कोर आई रॉकर TWS ब्लूटूथ ईयरफोन्स। इसमें लिखा है डिज़ाइन बाय इन्फिनिक्स। ये इन्फिनिक्स का ही एक सब ब्रांड है, एक्सेसरी ब्रांड है सोनो कोर के नाम से, जिसने कि ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स लॉन्च करे हैं। और ये ईयरफोन्स आते हैं लगभग 1500 रुपये की कीमत में, और इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करके दिखाएंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसकी साउंड क्वालिटी का टेस्ट भी करेंगे फटाफट से, और आपको बताएंगे कि ये कैसे साउंड करते हैं। मैं इसको अनबॉक्स करके इसके बाकी के फीचर्स बताऊं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये मेड इन चाइना है, जो कि इसके बॉक्स पे क्लियरली मेंशनड है। तो अगर आप मेड इन चाइना प्रोडक्ट से थोड़ा परहेज़ करते हैं तो चाहें तो आप इसको ना ख़रीदें, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्म रखना। ये इन्फिनिक्स ब्रांड द्वारा बेचे जा रहे हैं इंडिया में। इसका जो इम्पोर्टेड एंड मैन्युफैक्चरर बाय जी मोबाइल, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है चाइना में, और जो कि आप डिटेल्स यहाँ पे स्टिकर पे देख पा रहे होंगे। ये आते हैं काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, और फीचर्स यहाँ बॉक्स पे भी लिखे हैं। इसमें लिखा है सुपर फास्ट पेयरिंग, 20 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। एक्चुअली 20 आवर्स आपको सिंगल चार्ज पे नहीं मिलेगा, एक चार्ज पे लगभग 3 घंटे मिलता है, लगभग 3 से 4 घंटे। और इसमें जो केस होता है उसमें मल्टीपल चार्जेस होते हैं, तो एक केस में जो इसका जो केस है उसके अंदर ही काफ़ी सारा चार्जिंग सेव्ड रहता है। इसमें ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है, साथ ही में इसमें 6 mm के ड्राइवर्स हैं, IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट हैं, कम्फर्टेबल फिट है, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट, इस तरह के काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। और ये मल्टीपल कलर्स में भी आपको मिल जाते हैं, ब्लैक, ब्लू और वाइट में। हमारे पास जो यहाँ पे पेयर अवेलेबल है वो है वाइट कलर में, और ये है इसका केस, काफ़ी स्लीक सा दिख रहा है। और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो बॉक्स में आप फर्दर देखेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, यूज़र मैनुअल, वारंटी गाइड एक्सेट्रा, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक USB तो माइक्रो USB छोटी सी चार्जिंग केबल मिल जाएगी। इन सबको रख देते हैं साइड में और चलते हैं वापस ईयरफोन्स की तरफ। तो ये है आपके ईयरफोन्स, यहाँ पे पीछे की तरफ जो केस के पीछे की तरफ यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, सोनो कोर की ब्रांडिंग है। यहाँ पे आगे एक ये LED लाइट लग रही है मेरे को, और ये है इनके ईयर पीसेस। ये मैग्नेटिकली इसके साथ अटैच हैं, तो अगर आप ये खोलते भी हैं तो ऐसे गिरेंगे नहीं। और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। और ईयर टिप्स जो हैं इसके वो काफ़ी स्लीक हैं, और यहाँ पे बटन कंट्रोल दिए गए हैं, दोनों पे ही बटन हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बाहर की तरफ एक छोटा सा कट है, और इसके अंदर एक मेटेलिक मैश मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से। R और L यहाँ पे लेफ्ट राइट काफ़ी क्लियरली इंडिकेटेड है। सारे कंट्रोल्स जो हैं वो इन बटन्स में ही दिए गए हैं। तो मैं इनको फटाफट से पेयर करता हूँ एक बार अपने फ़ोन के साथ में, इसका ऑडियो चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि सुनने में कैसे हैं। तो हम आ गए हैं वापस उनका ऑडियो टेस्ट करने के बाद, और ये आई रॉकर ईयरफोन जो हैं, जो कि 15,000 की कीमत पे आते हैं, ये कितने अच्छे हैं साउंड में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहली बात, इनका ऑडियो लेवल काफ़ी लाउड है, ये दोनों के दोनों काफ़ी लाउड हैं, और इसको पेयर करना काफ़ी आसान है। इसमें आपको एक ही बार पेयरिंग करनी है, और आई रॉकर करके आपके ब्लूटूथ डिवाइस में दिखाएंगे, और आपको एक ही से पेयर करना है, ऑटोमेटिकली दोनों एक साथ पेयर हो जाते हैं। और इसका जो बटन कंट्रोल है वो इसको काफ़ी इजी और यूनिक बनाता है, दोनों पे ही बटन है और काफ़ी टैक्टाइल है। आप इसको एक बार टच करते हैं तो प्ले पॉज होता है, अगर आप इसको दो बार टैप करते हैं तो ये नेक्स्ट ट्रैक चलाता है, तीन बार ट्रैक करते हैं प्रीवियस ट्रैक चलाता है, कोई कॉल आ रहा है और एक बार टैप करते हैं तो ये कॉल पिक और डिस्कनेक्ट करने के काम आता है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन उतना खास नहीं है, और सच बोलूँ तो 1500 रुपये की कीमत में मैं शायद उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। बेस थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और लाउडनेस काफ़ी हैवी है, और इसको आप लगभग 50-60% वॉल्यूम में बहुत आराम से सुन सकते हैं, आपको शायद 50-60% से ऊपर इसका वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। वेट इनका ज़्यादा नहीं है, दोनों का लगभग 5-5 ग्राम वेट है, तो टोटल ही इनका दोनों का मिला के 10 ग्राम वेट है। फुल चार्ज पे कंपनी क्लेम करती है 4 घंटे का प्लेबैक टाइम, और इस बॉक्स में जो है आपको आप 3 या 4 फुल चार्जिंग और मिल जाएंगी, तो कुल मिला के अच्छा खासा आपको प्ले टाइम मिल जाता है। पहली बार जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक होता है, इसको निकाल दीजिएगा,
ताकि ये इसका चार्जिंग केस से कनेक्ट हो पाए। बाकी मुझे ये डिज़ाइन वाइज ठीक लगे, अब फिट वाइज भी अच्छे लगे, इसकी जो कनेक्टिविटी है, साउंड है, वो मुझे ठीक लगी। आई एम नॉट श्योर कि इसका ऑडियो पिकअप जो है इन कॉल वो कितना अच्छा रहने वाला है, बट अगर आप इसको सिर्फ म्यूज़िक सुनने के हिसाब से देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जनरली TWS जो है वो कॉल्स के हिसाब से उतने अच्छे नहीं रहते हैं, मैंने कई सारे TWS ट्राई करे हैं, सामने वाली पार्टी को आपका आपकी आवाज़ उतनी साफ़ नहीं सुनाई देती है। अगर आप शोर में हैं, अगर आप शांत जगह पे बैठे हैं तो शायद वो अच्छा काम कर जाते हैं, जो कि ये भी करेंगे, बट अगर आप ज़्यादा शोर वाले इन्वायरमेंट में हैं तो उस केस में TWS जनरली उतने कामयाब नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट इम्प्रेशंस और ओवरव्यू सोनोकर आई रॉकर ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में। आपके क्या विचार हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दबाइए और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।